तुम्हारे भी दो हाथ है, दो कान है, टैलेंटेड तो उतने ही हो यार, नहीं फिर भी तुम्हारे टाइम से जो शुरू हुए थे लोग है ना, जिन्होंने शुरुआत की थी, शुरुआत मतलब बिल्कुल शुरुआत, तब से लेकर अभी तक में वो कहाँ है और तुम कहाँ हो, क्या डिफरेंस नजर आता है किसी का? हाँ सर क्या फर्क पड़ता है, सबकी अपनी जर्नी है। आपके मन में आती है और फिर आप रियलाइज करते हो अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर एक की अलग जर्नी है कि एक रेस में तो भाग नहीं रहे, वैसे भी मैराथन है कि जब तक चल रहे हो तब तक रेस चल रही है, मैं रुकने वाला हूँ नहीं, तो मैं अगर इससे पहले जैसे मैं दिल्ली से बॉम्बे नहीं आया था, मैं पहले एफटी आया गया, मैंने पढ़ाई की, थिएटर किया, फिर मैं आया, तो मैं आया ही कुछ और करने हूँ और वो करने में टाइम तो लगता है, कि आपको जिस तरीके का आर्ट फॉर्म मैं लाना चाहता हूँ या मैं ट्राई करता हूँ, जिस तरीके की एक्टिंग मैं करता हूँ, उसके लिए लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। और भाई मैंने जितने भी तुम्हारी टीम से पूछा, असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे तीन दोस्त है मेरे, सबने तुम्हारे बारे में बताया कि बहुत ही यूनिक कलाकार है जी, लेकिन वो ड्यू अभी तक जो चाहिए था, जिस मुकाम पे चाहिए था, क्यों नहीं है? सर वो तो पता नहीं, वो मैं कैसे बता सकता? नहीं यार होता है ना, मैं बता सकता हूँ, आप मेरे को बताओ क्यों नहीं। नहीं नहीं वो तो मैं बताऊंगा, मेरे को तुम्हारा काम देखा नहीं, मैं बता दूं 100% बता दूंगा, धंधा ही है मेरा, नहीं नहीं 30 साल से यही काम कर रहा हूं मैं, वो तो पता नहीं सर, पर मेरे को है कि कभी तो होगा, मतलब कभी तो, देखिए आप जब तक मार रहे हो पत्थर कभी तो दीवार टूटेगी, कि मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं। तो अशीम इतना पॉपुलर क्यों हो गया, उसका रीजन क्या लगता है? सर बहुत मेहनती लड़का है सर, मेहनती तो हमारे रामलाल भी हमारा ये बैठा हुआ है, रामलाल ये बहुत मेहनती लड़का है, बहुत दिल से काम करता है, लगा रहता है, और यही तरीका है कि किसी का अभी होगा, किसी का कल होगा, किसी का 10 साल बाद होगा, पर होगा, जो लगा है उसका होगा। हमारे पास बहुत एग्जांपल है, जैसे नवाज जैसा एग्जांपल, मेरे सीनियर राजकुमार राव, विजय वर्मा, और इन सबको लाइक विजय वर्मा वगैरह के साथ तो मैं बैठा हूँ कि जब हम लोग, मैं बॉम्बे आया था और वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और फिर आप सबकी जर्नी देखते हो, देखते हो सबका होता है कि आपका वक्त तब आएगा जब दुनिया आपके लिए रेडी है, क्योंकि पंकज त्रिपाठी आज भी वही उतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं जितनी 15 साल पहले कर रहे थे, पर लोग रेडी हो गए। मगर साथ मैंने 15 दिन शूट किया था, क्या दोनों पुलिस वाले बने हुए थे और चंडीगढ़ गए थे हम लोग, अरे ऐसे लीचर थे हम लोग, कमीने थे। अरे बताओ तुमको, वो नसीरुद्दीन ओमपुरी थे ना जिसके मकबूल के, मकबूल के, हाँ तो वो मतलब भाई क्या बोलता है, सिर्फ पैसे चाहिए हम लोगों को, सब कमीनापन करने का और पैसे लेने का बस। So good, विजय के साथ मैंने 11 फिल्म की हिमाचल दुनिया की, मैं 1.5 महीने साथ में था उसमें। इनके बारे में क्या बोलोगे यार, इनकी सफलता का राज क्या है? सर मैं ये कैसी बात है, इनकी सफलता तो सबके सामने है, ये राज पूछ रहा हूँ, सफलता सर मैं, मेरे को तो इतना पता है जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है लाइफ में, कि सही इंटेंट और मेहनत, दैट्स इट। मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं उनमें कोई क्वालिटी ऊपर नीचे हो या ना हो, ये दोनों चीजें होती हैं, तो ये तो गिवन है। और उसके बाद जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो इतना बेहतरीन है। हाँ ये जानना चाहता हूँ कि आप तमन्ना भाटिया के साथ अगर आप सेट पे हो, कोई थर्ड पर्सन वहां पे आता है, उसको ढूंढना पड़ेगा तमन्ना भाटिया कौन है, क्योंकि वो स्टार का एक वो होता है ना कि स्टार कहाँ है, वो इतना ज्यादा अपने आप को हम्बल बना देती हैं कि अपने को एक्टर्स को कंफर्टेबल, क्योंकि हम लोग के साथ में बहुत इंटीमेट सीन्स हैं, हम लोग की लड़ाई हैं और बहुत इमोशनल सीन्स हैं, और बहुत जरूरी था कि मेरा को एक्टर मुझे, जो इतना बड़ा स्टार है, कि उनको इनिशिएटिव लेना पड़े, और उन्होंने वो किया, उन्होंने बहुत ईजी बनाया। जब आप शो देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार कि ऐसा कि हम सब सातों एक ही मुकाम पे लगते हैं, कि कोई स्टार वैल्यू नहीं है, मतलब इट्स जस्ट लाइक 7 कैरेक्टर्स, तो 7 फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, लाइक आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो हमें क्रैक करना पड़ा, वाज एक फिजिकल इंटीमेसी, बिकॉज एंड नॉट आई डोंट मीन इट जस्ट विद सोहेल इन द फिल्म, बट लाइक द गर्ल्स, क्योंकि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, there is a different physical chemistry you have with people जो आप बचपन से जानते हो, so as actors we can't just come on set and start speaking our lines, because there was a lot of understanding. I feel like touch is so sacred na to us in general as humans, so you only are close proximity with people who are
जिनके साथ आप पले बड़े हुए और वो एक ऐसे सेट पे लाना और उन लोगों को इकट्ठा करके बोलना कि यार आज अब ये तुम लोग के और तुम्हारी जवानी थी, अब तुम यहाँ पर आ गए हो और अब एक्टिंग करो, तो वो कंफर्टेबल होना, वो आई थिंक हमारा उसका स्नेप उसको हमारे डायरेक्टर को भी जाता है बिकॉज वो आता वहीं से है, तो शी इज मेड अस सो कंफर्टेबल विद वन अनदर, पुटिंग अस इन अ वर्कशॉप, एक होटल में हमें रहना, मतलब इट वाज ऑल वेरी, आई थिंक द स्टेप्स वर जस्ट गोइंग टू द राइट प्लेस वेयर वी ऑल मेट टुगेदर इन दैट इट जस्ट एंड टू ऐड टू दिस क्या आपने जितनी भी चीजें से देखी होंगी लौंडे किस नहीं करते, मतलब हमारे जैसे दिखाते ना दो दोस्त है बेस्ट फ्रेंड्स गले मिल रहे हैं, तो हम लोगों ने बहुत पपियां की हैं कि वो ऐसा कि हम, अगर आप देखो कि मैं आशिम को जब गले भी जैसे भी लगाता हूँ मैं यहाँ से उसको पकड़ता हूँ हमेशा कि आप मेरा भाई, और लाइक वी किस, लाइक ऑल द गाइस इन द शो आर किसिंग ईच अदर व्हेनेवर दे आर हगिंग, कि वो प्यार और अपनापन इतना ज्यादा हो गया था और वो रिक्वायरमेंट भी थी, हमारे यहाँ वो हग नहीं होता, हमारे यहाँ होती है जप्पियां, फर्क है एब्सोल्युटली, तो वो भी डिपेंड करता है किसी दोस्त के साथ क्या वो है, वो अलग अलग है, किसी यहाँ किसी के साथ यो किसी से कंधे में लाते हैं चलना क्या बोलता है ऐसे और क्या चल रहा है बस, और कई लोग तो सिर्फ इशारे में और क्या चल रहा है, इतने भी मेरे 15 साल पुराना दोस्त है और कभी हमने हाथ भी नहीं मिलाते और क्या चल रहा है, जबकि किसी से लगे हुए हैं किसी को किसी करे जा रहे इधर उधर, लेकिन और क्या चल रहा है, इतने ही बस गहरा दोस्त है, कैसा भाई और हेमन वही वाली बात है। तो मोटा मोटी कहानी क्या है इस पूरे सीरीज की, सात दोस्त हैं जिनको और बचपन के दोस्त हैं जिनको लगता था 30 तक आते आते लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, और हर एक की जिंदगी में ऐसे किस्से हो रहे हैं कि लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उन्होंने सोची थी, और सर प्लान तो हम बहुत बनाते हैं ना, कामयाबी उनकी जो होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम सबसे अच्छे प्लानर है दुनिया के, हमें लगता है कि सब जो हमने सोचा है वैसा ही होगा, क्योंकि हम तो अपने अपनी शिद्दत से वो प्लान बनाते हैं कि यार ऐसा अभी 25 में ऐसा करेंगे, 26 में मैं ऐसे ये काम कर लूँगा, 27 से लेकर 30 तक मैं यहाँ आऊँगा, बट कुछ ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि तुमने क्या सोचा था जो नहीं हुआ? बहुत चीज़ें सर, मैंने मतलब मेरे इनफैक्ट मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल और वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि जितने भी मेहनत की है इस 12 साल के मेरे करियर में बॉम्बे में आने के बाद, आई फेल लाइक कि मैंने ये सोचा था कि मेरे पोस्टर्स लगेंगे, पोस्टर लगेगा और उस वो मेरे लिए एक दिन होगा जहाँ मैं देखूंगा अपने आप को जुहू में, और तो वो चीज़ हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर उसके बाद यही कि बस मैं तो वहीं से क्रॉस करते रहता था और एक नहीं मेरे दो दो शो के पोस्टर लगे थे, तो मैं कुछ अच्छा ही किया, या इट्स अ डिफरेंट हाई, सो माय प्लान्स सॉर्ट ऑफ डिड वर्क आउट, बट ऐसे बहुत प्लान्स हैं जो हम बनाते हैं और वो नहीं कामयाब होते, क्या नहीं हुआ अभी तक, वही जानना चाह रहा हूं, मैंने क्वेश्चन ही है सर, अब वो हैं काफी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चिंता मत करो, बोलेगा तो हो जाएगा, नहीं नहीं बहुत लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, बहुत लोगों के साथ, किन के साथ काम करना चाहता है, अबे रेडियो सब सुनते हैं, चिंता मत कर, हो सकता है तेरे को अप्रोच करते हैं, बहुत हैं सर, बंसाली सर हैं, श्रीराम राघवन सर हैं, जोया अख्तर मैम है, वो बहुत हैं, मतलब वो होगा, बट आई पुट इट आउट, अगर मैं ये इसके माध्यम से बोल सकता हूँ तो जोया अख्तर, आई वॉन्ट जोया अख्तर, देखो तुम लोगों की एक मुराद तो पूरी हो गई है ना, एक मुराद तो पूरी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बट इन्होंने जो भी तमन्ना भाटिया के बारे में बोला है वो बिल्कुल 100% सच है, तुम नहीं बोलते तो हम हमको मालूम है, ऑल एट दैट फेज इट्स इंटरेस्टिंग एंड फॉर मी इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई विश आई कुड टेल दिस टू आई कुड समहाउ एक्सप्लेन दिस टू देम दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर करियर व्हेदर यू आर इन द बिगिनिंग द मिडिल लिटिल मोर देन मिडिल और टुवर्ड्स द एंड which is pretty much for most actors it's mostly life where it ends, but I just feel like the quest still remains the same, nothing changes, you're still eating lesser food, you're still working out like a laborer, you still are hoping you work with that person that you really want to work with, you still want to make cinema, you still want to be loved by people, so the quest is the same, nothing has changed, nothing is different for him all. Aapki kaun kaun si murade puri ho gayi itne saal career mein? जो आपने सोचा था फिल्म इंडस्ट्री आने के पहले? मेरे लिए तो मेरी लाइफ मेरे सोच से कहीं बड़ी है, मैंने तो इतना कुछ सोचा भी नहीं था जितना मेरे साथ हुआ है, तो आई थिंक माय लाइफ इज वे बेटर देन व्हाट आई हैड प्लान्ड और वे बेटर देन व्हाट आई हैड इमेजिनड, बट आई थिंक दैट इज अ विंडो दैट आई थिंक आई हैव लर्नड टू कीप दैट, समटाइम्स वी थिंक कि हमारे साथ सिर्फ इतना होगा, बट व्हाट इफ इट्स बेटर देन व्हाट वी थॉट, वाह ये तो यार डीप हो गया, अभी हो गया थोड़ा डीप हो गया, मुझे निकालो जी, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, ये दोनों नए लौंडों क्या रह जाना चाहेंगे, नहीं नहीं ये नए लौंडों क्या बोलना चाहेंगे आप,
दो तीन तीन चीजें बता दो कि देखो उनको सब पता है। अरे नहीं, अरे तमन्ना प्लीज बताइए, यही पहली बात है। और ये गलतफहमी इन लोगों को है कि तुमको साले सब पता है, नहीं कुछ पता नहीं है तुमको, पता है व्हिच इज ग्रेट। बहुत आई थिंक जो एक एक रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं और जो रियलिटी समझते हैं, देखो मैं बताता हूँ तुम्हारे पूरे इंटरव्यू दौरान क्या क्या लेना चाहिए इन लोगों को। पहली बात कि 80% ह्यूमन साइकोलॉजी स्किल है ये, एक्टिंग करना, ये बहुत बड़ी बात इससे ले सकते हैं पूरे इंटरव्यू दौरान। दूसरी बात ये, इन्होंने जो बड़ी कमाल की बात बोली कि जो जो मेहनत है उसका सब्स्टिट्यूट कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हो। और तीसरी बात, इनका ये मानना नहीं है लेकिन मेरा ऐसा परसेप्शन है कि इन्हें जो बोलना चाह रही है वो ये बोलना चाह रही है कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है जीवन में तो लगे रहो। बिल्कुल, मैंने भी बोला था, मिररिंग है वो, मिररिंग है, पर वो इट्स द रूल ऑफ थंब। या ऐसा रूल ऑफ थंब, ट्रू, कि जो लगा रहेगा वो पालेगा, है ना। हरकत में बरकत, हरकत करते रहो।